सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का बाहमी तबादला। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज और अनवर चौहान, इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्ला को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। खुदाबख्श डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलीर तैनात। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी तकर्रुर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया। कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज हो या कल इलेक्शन होना ही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इंतखाबात 10 रोज आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात की तारीख को आगे या पीछे करना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। कबायली अजला में मौसम की खराबी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है। मजीद बोले, क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? बानी पीटीआई को लाना साजिश थी, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी पीटीआई को न हटाते तो वो पाकिस्तान को बेच चुका होता। बैरून मुल्क बैठे ब्लॉगर्स को जमायमा पैसे दे रही है। आसिफ जरदारी की भुट्टो केस समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच भुट्टो रेफरेंस की समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फांसी को कत्ल करार देने के मुतालिक रेफरेंस 2011 में भेजा था। बिलावल भुट्टो को की केस की समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त मौकिफ अपनाया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद की। फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। अदालती निज़ाम पर लगा धब्बा खत्म करने के लिए समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। बिलावल भुट्टो का रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायजिसा से इजहार तशक्कुर। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, शायद उस ज्यादती के अजाने का वक्त अब आ रहा है। अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, महंगाई नहीं थी मुल्क में और बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था, पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी। हमने खुद मुल्क से ज्यादती की, शायद अजाले का वक्त आ गया है। ज्यादतियों का अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब। बोले कि कौम जानना चाहती है 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। नून लीग के दौर में पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, बिजली और गैस की कमी थी, ना महंगाई और बेरोजगारी, सी पैक और मोटरवे बन रहे थे। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया लेकिन दुनिया में मुकाम हासिल करेगा। दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत होगी। उम्मीद है इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर पुरुमीद इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हतमी फैसले से रोकने के पिशावर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम भी किया। इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ पैदर पै अहकाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। गद्दारी केस में नाअहली 5 साल तो झूठ बोलने पर तहायात क्यों? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तहायात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायसा के मीर बादशाह केसरानी तहायात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट का कानून चलेगा या अदालती फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। तहायात नाअहली पर अदालती फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। जस्टिस अतर मेडल्ला ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लिमान अदालती फैसले का असर खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का तहायात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस। इलेक्शन की मुद्दत के तायुन का मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए कमेटी को इरसाल। केस की समाअत जनवरी में होगी।
जस्टिस एजाजुल अहसन का मिलिट्री ट्रायल और जस्टिस मुजाहिर केस के बेंचेस पर एतराज। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा उन्हें कई मरतबा राबतों के बाद दिया गया। सिविलियंस के ट्रायल के मुकदमे में उन्हें बताया गया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए उनका मौकिफ था तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने उनकी तजवीज को जजेस की आवादगी के साथ मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। अवाम और पार्लियामान की मर्जी के बगैर ये फैसला लिया गया। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। फौज और पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की निगरान वफाकी वजीर सरफराज भुट्टी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल मजीद बोले कि भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज किया। दुनिया को कश्मीर के मसले पर सोचना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का भी मशवरा। ये इसको संभाल के रखो, अगर ये से करेंगे तो इरवान हम नहीं। कराची सिटी काउंसिल का इजलास। पीटीआई के अरकान आपस में लड़ पड़े। झगड़ा तहरीक इंसाफ से वाबस्ता और मुनहरी फराकीन में हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम को इजलास में खुशामदीद कहा। इजलास में 6 करारदादें मंजूर, 1 मुस्तरद कर दी गई। दूसरी जानब हाफिज नईम रहमान का मेयर कराची के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा कि ऐवान में गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया गया। जल्द जमात इस्लामी का मेयर ऐवान में होगा। काउंसिल में मुकाबला करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। एकिंग ने 372 अरब रुपए के 9 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 53 अरब 72 करोड़ रुपए के पोर्ट कासिम तक थरकोल रेलवे मंसूबे की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 25 अरब का फूड सिक्योरिटी मंसूबा मंजूर। सिंध में सैलाब से तबाह स्कूल्स की बहाली के 86 अरब के मंसूबे की मंजूरी। केपी में पनाह गुजीनों के बच्चों की तालीम के लिए 32 अरब का मंसूबा मंजूर। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत 16 अरब रुपये का मंसूबा मंजूर किया गया। सखर बैराज और गुड्डू बैराज की अपग्रेडेशन के लिए 74 अरब रुपये का मंसूबा मंजूर। हुकूमत का हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में 10 दिन की तौसी का फैसला। 5 साल में एक बार हज करने की शर्त भी खत्म कर दी जाएगी। निगरान वजीर मजहबी उमूर की सैनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। हज दरख्वास्तों की कम वसूली का भी एतराफ। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सूबे के तमाम तालीमी इदारे 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात के दौरान स्कूल मुकम्मल बंद होंगे। इम्तिहानात, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने पर पाबंदी होगी। स्कूल्स में 2 जनवरी 2024 को दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी।